इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स जो आपको बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस से इंग्लिश सिखाने वाला है, साथ ही साथ कुछ इफेक्टिव वर्ड्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत सुंदर नज़र आए। पहली गलती तो ये कर बैठते हैं कि हम इस एम आर जैसे शब्दों को मतलब लिखते ही गलत हैं या बोलते ही गलत हैं। सबसे पहले इससे फेमिलियर होना पड़ेगा। आओ मैं आज आपकी इंग्लिश में एक इफेक्टिव वर्ड्स की कुछ एक लिस्ट डालता हूँ। इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स जो आपको बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस से इंग्लिश सिखाने वाला है, साथ ही साथ कुछ इफेक्टिव वर्ड्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत सुंदर नज़र आए, आपको बोलते वक्त कॉन्फिडेंस फील हो, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कोर्स को शुरू करते हैं। पहली क्लास है, ध्यान से देखिएगा ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस आपने आज तक बोले हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जिनमें आपने ये तीन शब्द देखे होंगे, एम आर और इज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर इनको देखा तो होगा पर आपने क्या इनकी कंडीशंस को महसूस किया है? कंडीशन से पहले देखिए, आमतौर पर हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? पहली गलती तो ये कर बैठते हैं कि हम इस एम आर जैसे शब्दों को मतलब लिखते ही गलत हैं या बोलते ही गलत हैं। मैं तो जीरो से कह रहा हूँ, तो सीखिए जरा ध्यान से। आप ये याद रखेंगे तीनों शब्दों का मतलब सेम है और टाइम भी सेम है। ये वाला जो टाइम है वो प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट की बातों को करने के लिए आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसके लिए कौन सा शब्द आता है? आई होने पर एम आता है, यू होने पर आर आता है। पर इसी तरीके से ध्यान रखना, जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे, चीज़ें ज़्यादा होंगी तो भी आर आएगा। एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे वी ज़्यादा को दिखाता है, दे ज़्यादा को दिखाता है, तो इसलिए इसके साथ आर आएगा। नीचे की तरफ आइए, अगर किसी एक के बारे में आपने बात करिए और वो एक कौन है, हमसे अलग है, जैसे आप अब मेरे से बात करते वक्त अपने फादर के बारे में मुझे बताएं तो आपके फादर मेरे लिए ही हैं। आप मुझे अपनी मदर के बारे में बताएं तो आप यहाँ पे शी कहेंगे। आप मुझे अपने घर के बारे में कहेंगे तो इट कहेंगे। पर अगर आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में कहेंगे जो कि ज़्यादा है तो आप मुझे दे कहेंगे। अगर हम सब अपनी बात करेंगे तो वी, सामने वाले के लिए यू। सबसे पहले से फेमिलियर होना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तीन जो शब्द मैंने आपके सामने बोले वो किन कंडीशंस में आते हैं? सबसे पहले वाली कंडीशन देखिएगा, जब हम लोगों की विशेषताएं दिखाते हैं। विशेषताएं दिखाते हैं कैसे? जैसे हम कई बार कहते हैं यार मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। कई बार कहते हैं यार मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हूँ। तो मेरा दुखी होना मेरी विशेषता है, मेरा खुश होना भी तो मेरी विशेषता है। तो जब हम किसी भी व्यक्ति या चीज़ की विशेषता को दिखा रहे होते हैं तो इन शब्दों की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। आपने कभी ये नहीं बोला, देखिए आप इससे अवेयर हैं, आपने कभी ये नहीं बोला कि आई हैप्पी, पर आपने ये जरूर बोला कि आई एम हैप्पी। तो ये एम क्या कर रहा है? मेरे हैप्पी होने की स्थिति को दिखा रहा है कि मैं इस वक्त खुश हूँ। तो टाइम के साथ जब हम किसी की विशेषता दिखाएं और हम कहें इस वक्त ऐसा है तो हम इस एम आर लगाएंगे। एक और बात, जब आपने इस एम आर के टाइम को जान लिया है कि प्रेजेंट में आता है, जब आपने ये जान लिया कि किसके लिए कौन सा वर्ड आता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये छोटी वीडियोस में यही चीज़ें मिलेंगी आपको, टॉपिक्स तो मिलेंगे पर साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस मिलेगा और प्रैक्टिस में कुछ इफेक्टिव वर्ड्स। अब मैं आपको दो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन से मिलवाऊंगा जिसमें नॉर्मल वर्ड्स भी हैं और इफेक्टिव वर्ड्स भी हैं। इफेक्टिव वर्ड्स जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले हैं, इफेक्टिव ऐसे वर्ड्स जो दुनिया बोल रही है पर शायद आप ना बोल पा रहे हो, समझ नहीं है। आओ मैं आज आपकी इंग्लिश में एक इफेक्टिव वर्ड्स की कुछ एक लिस्ट डालता हूँ, इसे बड़े गौर से देखिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे छोटी सी एक लिस्ट है, इस लिस्ट को महसूस कीजिए। जैसे पहले वाला वर्ड देखिए, वेरी हंग्री। अब हंग्री कब आता है? जब हम किसी को भूखा कहते हैं, भूख लगी है, हंग्री हूँ, कहते बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत बहुत के सेंस के लिए वेरी लगा दिया। छोड़ दीजिए, आज मैं आपकी इंग्लिश में से वेरी निकलवाने वाला हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम सच में वेरी बोल रहे हैं, बस ज़रूरत नहीं है। जैसे यहीं पे देख लो, इस लिस्ट में देखो, इस लिस्ट में हम वेरी डाल रहे हैं पर मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है, क्यों ना कुछ इफेक्टिव वर्ड्स के साथ इन चीज़ों को सीखा जाए। जैसे देखिए, हंगरी का मतलब भूखा होता है और वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा भूखा हो। मत बोलिए ना सर। अब वेरी हंगरी को आप रिप्लेस कर दें किस वर्ड से? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भी बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा भूखा। आगे देखिए, वेरी स्लो। अभी प्रैक्टिस बची हुई है, पहले वर्ड्स को देख लेते हैं। स्लो का मतलब धीमा होता है और बहुत ज़्यादा स्लो का मतलब बहुत धीमा, यानी कि वेरी स्लो होता है। मत बोलिए, नया वर्ड लेके आएंगे, स्लगिश कहते हैं, स्लगिश। मेरी प्रोनंसिएशन को देखते चलना, स्लगिश, स्टार्विंग। तीसरे वर्ड की तरफ आते हैं, हम कहते हैं रिच है या पैसे वाला आदमी है और बहुत रिच है, तो वेरी रिच कहा। मैं कहता हूँ क्यों बोलते हैं, वेरी रिच से अच्छा वर्ड आप लेके आइए, क्या बोलेंगे? वेल्दी। वेल्दी मतलब पैसे वाला आदमी। आगे देखें, अब जैसे मौसम भी आ ही रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियाँ होती हैं तो उसमें हम कहते हैं कोल्ड है,
पर कई बार कहते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड है यार, सर्दी बहुत है, तो जैसे आपने वेरी कोल्ड कहा उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, फ्रीजिंग वर्ड से कह सकते हैं। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब ऐसी सर्दी जैसे शरीर को जमा दे, ऐसी सर्दी की हम बात करें। बैड माने बुरा होता है, हम कहते हैं कई बार बहुत बुरा यार, टेस्ट बहुत बुरा है ना, टेस्ट बहुत बुरा है, तो मेरा अनुभव बहुत बुरा था, अनुभव बहुत बुरा है, तो बुरा मतलब बहुत बुरा, बहुत का मतलब वेरी, वेरी मतलब वेरी बैड। रिप्लेस करते हैं ऑफुल से, रिप्लेस करते हैं, ऑफुल का मतलब भी बहुत बुरा होता है। आगे देखिए, कई बार हम किसी को सुंदर कहते हैं, किसी फीमेल को सुंदर कहते हैं तो कहते हैं ब्यूटीफुल, फिर हम कहते हैं बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, रिप्लेस कर देते हैं। गॉर्जियस बोलिए, एक ऐसा कोर्स जो आपकी इंग्लिश के बेसिक्स को ही ठीक नहीं करेगा पर साथ ही साथ आपके वर्ड्स में इफेक्टिवनेस डालेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा यार मैं इंग्लिश बहुत आराम से बोल लेता हूँ। आओ इसका छोटा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं, यहाँ पर इस तरफ आ जाइए, मेरे पास एक छोटा सा लिस्ट है, लोग हैं, ये वर्ड्स हैं मेरे सामने, आप अपने बारे में प्रैक्टिस करते हैं। आप कहते हैं यार मैं बहुत भूख लगी हुई है, आप कह रहे मुझे बहुत भूख लगी हुई, तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग। आपने कहा यार हम सबको बहुत भूख लगी हुई, तो वी आर स्टार्विंग। आपने कहा मम्मी पापा को भूख लगी हुई, तो ही इज स्टार्विंग, ही का नाम बदल दें, माई फादर इज। चेक करिए देखिए ये कैसे दिखा रहे हैं, टाइम भी है, ये वाला टाइम तो इसे मार से दिखाना, तो इन विशेषताओं को लेकर आते हैं। स्लगिश का मतलब बहुत सुस्त होता है, मैंने कहा यार आप बड़े सुस्त आदमी हैं, आप बहुत धीमे हैं, आप कामों को कैसे करते हैं, बहुत धीमे तरीके से करते हैं, मतलब आप में वो एनर्जी नहीं दिखाई देता, तो उसका मतलब स्लगिश हो गए हैं। तो मैं बोलूँगा यू और यू के साथ विशेषता जोड़ रहे हैं ना, इस समय में विशेषता जोड़ रहे हैं, तो यू की विशेषता किससे आई, आर से आई, तो मैंने क्या बोला यू आर स्लगिश, यू आर स्लगिश। जैसे मैंने कहा शी जो मेरी सिस्टर है सच्ची, वो तो मतलब क्या कहूँ, उससे तो कोई काम ठीक से होता भी नहीं, और इतना इतनी सुस्त है कि काम को जो 5 मिनट का काम है 10 मिनट लगा देती है, बड़ी सुस्त है। तो हमने कहा शी और शी के बाद हमने कहा इज, आर नहीं लगेगा, शी हमसे अलग कोई एक है तो इज आएगा, तो शी इज स्लगिश। आगे देखिए पैसे वाला, पैसे वाले को वेल्दी कहते हैं, जैसे हमने कहा अंबानीज, अब अंबानीज का मतलब अंबानी के परिवार वाले लोग हैं, तो वे जो लोग हैं वे सब एक नहीं, वे सब क्या है, दे आर वेल्दी, दे आर वेल्दी। अगर मान लो आप पैसे वाले हैं, अच्छी इंग्लिश होगी, अच्छी जॉब होगी, पैसा आएगा, आप बोलेंगे आई एम वेल्दी, पैसे वाला आदमी हूँ। हमने कहा आप हैं, यू आर वेल्दी, वो लड़का है ही इज वेल्दी, माय ब्रदर इज वेल्दी, माय सिस्टर इज वेल्दी, दे आर वेल्दी, दे मतलब माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो ज़्यादा हो गए ना, तो माय फ्रेंड्स आर वेल्दी। एक वर्ड फिर देखते हैं, फ्रीजिंग, मैंने कहा अब ये मत कह देना आई एम फ्रीजिंग, ये तो बड़ा गलत सेंटेंस हो जाएगा। हाँ वेदर को तो कह सकते हैं ना, तो वेदर हमारे लिए क्या हो गया, इट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज फ्रीजिंग टुडे, इट्स फ्रीजिंग टुडे, इट इज को छोटा बोल दीजिए, छोटा कर दीजिए, इट्स बोल देंगे, इट्स फ्रीजिंग टुडे, इट का मतलब वो वेदर है। आप ये भी कह सकते हैं द वेदर इज फ्रीजिंग टुडे, द वेदर इज फ्रीजिंग टुडे, तो इसका मतलब क्या कि वेदर कैसा है, बड़ा ठंडा है। ऑफुल का मतलब बहुत बेकार, बहुत बेकार, मैंने कहा टेस्ट जो है ना बहुत बेकार है, तो आपने क्या बोला द टेस्ट इज ऑफुल, द टेस्ट, जैसे रामदेव वाला आपने देखा ना एलोवेरा, वो रस उसका आता है, बड़ा गंदा टेस्ट है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट बहुत 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 बेकार है, तो आप उसे कह सकते हैं ऑफुल है। द टेस्ट इज ऑफुल, यानी कि इट इज ऑफुल, इट मतलब टेस्ट, द टेस्ट इज ऑफुल। आगे देखिएगा, आपने कहा गॉर्जियस, आपने कहा शी इज, आपने बोला शी इज, शी इज वेरी ब्यूटीफुल मत बोलिए, आपने कहा ना वेरी ब्यूटीफुल को किससे हमने रिप्लेस किया, गॉर्जियस से, तो शी इज वेरी गॉर्जियस नहीं, शी इज गॉर्जियस, क्योंकि वेरी की फीलिंग तो उसके अंदर पहले से आ चुकी है, जरूरत भी नहीं है, तो शी इज गॉर्जियस कहिए। ये कोर्स को फॉलो करना है, मेरे पेज पे आप आ जाइए, मेरे यूट्यूब के चैनल पर आप आ जाइए, अब ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको हफ्ते में कई मिलने वाली हैं। इन वीडियो से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश में जान आ जाएगी, बेसिक्स अच्छे होंगे, कंसेप्ट निकल के आएंगे, कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, और वर्ड्स का एक अच्छा समझ बनेगा। मैंने फिर रिपीट करके कहना है इफेक्टिव वर्ड्स, अगर आप सच में तलाश है कि मेरे इफेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए, तो देखिए इस कोर्स को अपने घर में बच्चों को दिखाइए, इस कोर्स को अपने घर में सब लोगों को दिखाइए, खुद देखिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। ऐसे कहते हैं ना, कहते आग लगा दो, एक ऐसा कोर्स है जिसमें मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। ये तो हमने एक मतलब लैंग्वेज को लेकर ना एक युद्ध स्तर पर काम करना है। अब लैंग्वेज ऐसी होगी कि मतलब इससे डर नहीं लगेगा। सोच के देखे अंग्रेजों के यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल पा रहे, शायद हम इसको समझ नहीं रहे हैं। तो समझाने के लिए मैं आ गया हूँ, समझने के लिए आप तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं एक बेहतरीन कोर्स के साथ अपने एक नए सफ़र को। एक एक लेक्चर बोलता रहूँगा, हाँ पेज से जुड़े रहना, क्योंकि नया लेक्चर आते ही मिस नहीं होना चाहिए, चैनल से जुड़ जाना, नया लेक्चर आते ही मिस नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेना,
क्योंकि ये कोर्स नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो अब घर बैठे इंग्लिश सीखिए, फ़ोन पर इंग्लिश सीखिए और इसको शेयर करते रहना, इंजॉय करते रहना। मिलते रहेंगे अगली वीडियो के साथ, जल्द ही मिलूंगा, इसलिए तैयार रहना। नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना, तभी तो पता चलेगा कि एक और नया बेसिक का आ गया है। इफेक्टिव वर्ड्स और ग्रामर के बेसिक से कंसेप्ट को शुरू करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।